मेरा नाम साधना द्विवेदी है और मैं वकालत के पद पर हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, क्रिमिनल का काम करती हूँ। आप जब घर से निकले तो किस किस तरह की बातें सुनने में आपको मिला? लोगों ने कहा कि अरे ये वकालत लड़कियों का काम नहीं है, कुछ मोहल्ले वालों ने भी कहा, कुछ घर वालों ने भी कहा कहीं टीचर बन जाओ या कहीं ये बन जाओ, तो इस तरह से लोगों ने सलाह दी और वकालत आदमियों का काम है। जब मैं कचहरी में शुरू शुरू में आई तो कुछ एक दो वकीलों ने भी मुझसे यही कहा कि अरे बेटा यहाँ कुछ नहीं है और आप लौट जाओ और कोई सर्विस के लिए अप्लाई करो, ना आपकी वकालत चलेगी, ना आप पैसे कमा सकते हो, ना सम्मान कमा सकते हो। इस तरह की बातें मतलब शुरू शुरू में मेरे साथ हुई, लेकिन उसके बाद हम अड़े रहे। अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं आपको? कोई महिला है उसके बच्चे छीन लिए गए हैं, ये कोई प्रॉब्लम है या उसको लेकर के कहीं मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो उसमें थोड़ी घर में मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। आप जो जिस क्षेत्र में हैं, यह क्षेत्र जो आप जॉब कर रहे हैं, अभी पेशे से आप अधिवक्ता हैं, इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए दर्जा नहीं दिया जाता, एक तो मानता नहीं है कि ये भी महिलाओं का काम है, तो आप एक अलग क्षेत्र में रह करके आपने किस तरह की समस्याओं का सामना किया? हम लोगों को इस तरह की, अब जैसे महिलाएं आती हैं हमारे बस्ते पर बैठती हैं तो जो अगल बगल की जो पुरुषों की निगाहें होती हैं वो उनके प्रति अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी सोच नहीं होती है उनके प्रति। जितना लोग दिखाते हैं आज के समय में कि इतना हम पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, इतना डेवलप हो रहा है, सोच लोगों की अच्छी हो रही है, सोच में डेवलप हो रहा है लोगों के, लेकिन ऐसा सोच से विकसित नहीं है बांदा। हर चीज में मतलब जो है आगे, फैशन में आगे है, पहनावे में आगे है, एजुकेशन में भी आगे है, लेकिन सोच में अब भी वो उसी तरह पिछड़ा हुआ है। आप किस मुद्दे पर संघर्ष किया? कम उम्र और सकल सूरत अगर लड़की के पास हो तो ये सबसे बड़ा अभिशाप होती है, क्योंकि उसे पग पग पे वो चाहे जितना अच्छा काम करे, चाहे जितना मतलब जो है सही तरीके से चले, अपने आप में चाहे जितनी सही हो, लेकिन जो लोगों की नजरें होती हैं वो उसके प्रति अच्छी नहीं होती। क्या आपको लगता है कि अगर मैं वकील होने के नाते एक पुरुष होती हाँ, तो मैं क्या इससे बेटर काम कर सकती थी? आपको ऐसा फील होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं पुरुषों से अच्छा कार्य कर रही हूँ। आज की स्थिति क्या है? मुझे अपने नाम से जानते हैं लोग, ना पिताजी के नाम से जानते हैं, ना हस्बैंड के नाम से जानते हैं, मेरी अपनी खुद की पहचान है। मैंने रात दिन मेहनत की है तब आज मैं इस मुकाम पर पहुंची।